कोई भी किसान भाई इस वीडियो का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजता है जी, तुरंत उसको 10,000 रुपए का डिस्काउंट। किसान भाई चाहते हैं उनकी सूखी से सूखी और गीली से गीली फसल इस थ्रेशर में निकलनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो उसी को देखते हुए हमने जापानीज टेक्नोलॉजी, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी है, वो इसमें यूज है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, ये 20 से भी अधिक फसल निकाल सकता है। अच्छा, 20 से भी अधिक। जी जी। तो आइए दोस्तों, अभी हम जो है अवतार सिंह एंड सन कंपनी के ओनर से बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो आपका एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को जो हमें सामने से जो देख रहे हैं। तो मेरा नाम है सुखदीप सिंह और हमारी कंपनी का नाम है अवतार सिंह एंड सन्स, जो कि अहमदगढ़ पंजाब में है। जी 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 जी। वैसे तो हमारा काम ही है कि हमारे किसान भाइयों को जो है नए नए इम्प्लीमेंट कृषि यंत्र दिखाएं। तो अभी हम आपके कंपनी में आए हैं और जैसे कि हमने पता किया था, हमने देखा था आपके प्लांट में भी आप बहुत सारे कृषि यंत्र बनाते हैं, और अभी जैसे कि हमारे पीछे खड़ा है एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर। जी जी। तो इसके विशेषताओं के बारे में बताइए। हाँ जी। तो भैया, पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कंपनी है वो 70 साल से किसान भाइयों के लिए तरह तरह के कृषि यंत्र बनाती है। जी। जैसे कि रोटावेटर हो गया, बुआई वाली मशीन जिसे हम सीड ड्रिल बोल देते हैं जी, थ्रेशर हो गया गेहूं वाला जी, धान वाला थ्रेशर, और किसान भाइयों की समस्याओं को देखते हुए जी हमने लॉन्च किया है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। अच्छा जी। जो कि साइड टोकरी वाला थ्रेशर है। हाँ। अच्छा जी। तो अभी आप हमें बताइए जी इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, आप इसमें क्वालिटी क्या देते हैं? देखिए भैया, ये जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जब कोई भी कृषि यंत्र हम बनाते हैं जी, उसमें जो भी अकेला अकेला पार्ट है, A to Z पार्ट है, हमारी फैक्ट्री के अंदर ही बनता है। अच्छा जी। कोई भी पार्ट हम बाहर से लेकर असेंबल नहीं करते इसमें जी, जो भी अकेला अकेला पार्ट जैसे वीडियो में आप देख सकते हो जी, जैसे सारा पार्ट जो है वो CNC पे तैयार होता है। अच्छा। और मैंने सुना था कि आपका ये जो थ्रेशर है जी, ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है बाकी थ्रेशरों से। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा क्या खासियत है वो हमें बताइए, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। देखिए, मेन किसान भाइयों को जो दिक्कत आती है वो टोकरी में आती है, जहाँ से जो उनकी फसल अंदर जाती है जी। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी टोकरी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी की टोकरी बनाई है हमने। अच्छा। देखिए, किसान भाई चाहते हैं उनकी सूखी से सूखी और गीली से गीली फसल इस थ्रेशर में निकलनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो उसी को देखते हुए हमने जापानीज टेक्नोलॉजी, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी है, वो इसमें यूज की है। अच्छा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो इसकी रॉड है जी, जब तो ये बाहर वाली साइड बाहर हो जाएंगी, जब ये फसल अंदर लेकर जाएंगी तो ये जो रॉड है अंदर चली जाएंगी जी, जी। इसमें ऑगर सिस्टम लगा है जिसके अच्छा। कारण जो फसल है वो वापस नहीं आती। अच्छा, और जो अच्छा। गीली फसल है वो इसमें लिपटती नहीं। अच्छा, अच्छा। जो दूसरी होती है जिसमें पत्ती लगी होती है जी, उसमें फसल जो है वापिस आने का बिल्कुल रहता है, और फसल जो गीली है, गीली फसल है, वो लिपटने का चांस रहता है। ये जैसे कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर है तो ये कितने फसल निकाल सकता है? ये 20 से भी अधिक फसल निकाल सकता है। अच्छा, 20 से भी अधिक। जी जी। अच्छा। पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कौन कौन सी फसल जो मेन ये निकाल सकता है जी। मूंग, धान, सरसों, गेहूं, मक्की, मूंगफली, सोयाबीन। अच्छा। चने, गवार, मोठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, बाजरा, जो अच्छा। फसल बोलोगे वो फसल ये हमारा थ्रेशर निकालता है। अच्छा, मतलब मान के चलिए कि इंडिया में जितने एरिया में, मतलब सभी राज्यों में जितने भी हाँ, फसल मतलब लोग हाँ, किसान हमारे उगाते हैं, वो सारा फसल ये निकाल सकता है। तरह तरह की फसलों के लिए अलग अलग स्पीड होती है जी, जैसे कि पंखे की स्पीड अलग होगी बिल्कुल, और ड्रम की स्पीड अलग होगी बिल्कुल। 3 स्टेप पुली दी है आप देख। अच्छा अच्छा जी। 1, 2, 3, ये तो 3 पुली है, 3 उधर है, 3 स्टेप वाली पुली है। अच्छा जी। और 3 इधर है। अच्छा। इसको बोलते हैं 6 स्पीड। मूंगफली के लिए अलग स्पीड सेट करनी पड़ेगी जी, वो हम यहाँ से कर सकते हैं जी। गेहूं के लिए अलग सेट करेंगे, वो आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे कि कौन सी फसल पे कौन सी स्पीड सेट करनी है और कौन जी, सी जाली बदलनी जी। अच्छा अच्छा जी। मतलब इसमें कितने पंखे आप यूज करते हैं? इसमें हमने देखिए 1, 2, 3 पंखे हो गए, चौथा पुआल वाला हो गया। अच्छा जी। और साइड पे 5वीं पंखी लगी है, मतलब 5N थ्रेशर है जी। तो आपने तो जी किसानों की संतुष्टि के लिए आपके थ्रेशर को जो है पूरा खोल के दिखा दिया जी। अब इसमें बताइए क्या खासियत है? तो देखिए भैया, ये जो हमारा थ्रेशर है इसमें हमने रॉड भी लगाए हैं, देखिए जी रॉड भी लगाए हैं, और उसी के साथ साथ आप इसमें ये ब्लेड भी लगा सकते हो। अच्छा जी। आप देखिए जूम कर दिखा सकते हैं किसान भाइयों को, ये आप ब्लेड भी लगा सकते हो। अच्छा, ये ब्लेड लगती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर तो किसान भाइयों ने गीली फसल निकाली है तो वो बोल्ट लगा सकते हैं, अगर उन्होंने गेहूं जैसी सूखी फसल निकालनी है और उनको भूसा जो है बारीक चाहिए, महीन चाहिए जी, तो वो ये वाले ब्लेड लगा सकते हैं। देखिए। अच्छा जी। ये वाले ब्लेड उनको साथ में दिए जाएंगे। अच्छा जी। 80 ब्लेड होंगे और 80 ही बोल्ट हैं इसमें। अच्छा जी, मतलब ये ऐसे ब्लेड सभी यहाँ पे लग जाएंगे। देखिए सुखदीप जी, बहुत सारे किसानों का समस्या ये रहता है कि हाँ जी, उनका जो धान या फिर गेहूँ टूटने की समस्या रहती है जी जी जी। तो क्या आपके थ्रेशर में भी ये समस्या रहती है क्या?
या फिर आप इसको मतलब देखिए भैया, हमने ये जो थ्रेशर है ये नई तकनीक को देखते हुए जी, और किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए हमने ये थ्रेशर बनाया है। बिल्कुल, हमारी कंपनी का 70 साल का एक्सपीरियंस है जी, और हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अच्छा जी अलग अलग फसल पर टेस्ट किया ये थ्रेशर, और हमने पूरी इसकी कमी पेशी दूर कर दी, और इसमें एक भी दाना जो है वो इस वेस्टेज वाली साइड में नहीं आएगा, और कोई भी दाना टूटने की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, अगर बाई चांस देखिए किसान भाइयों को दाना टूटने की समस्या आ रही है जी, तो वो इसकी देखिए इसमें चेंज कर सकते हैं आप। आइए, मेन जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो किसान भाई समझ सकते हैं जी, कि अगर उनका दाना टूटता नजर आता है तो ये जो इसके बोल्ट हैं, अच्छा जी, नट हैं, जो इसके बोल्ट हैं नट पर लगे हैं, इसकी हाइट वो कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो हाइट कम करेंगे अच्छा तो उसका जो फसल का ऊपर के संपर्क है जी, वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो दाना है वो टूटने से बच जाएगा। अच्छा जा, मतलब ये टेक्निकल जानकारी है। हाँ जी, टेक्निकल जानकारी आज मैं किसान भाई को बता रहा हूँ। जी जी जी, वैसे तो किसान भाइयों को मेरे से कई ज्यादा गुना जानकारी होती है, बट एक जो छोटी सी छोटी जानकारी ये टूटने की फसल की जी जी जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप टूटने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ किसान भाइयों को पता नहीं भी होगा तो उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से पता भी चल जाएगा जी जी आपके थ्रू जी जी। तो अभी आप बताइए कि हमारे किसान भाइयों को जो है ये थ्रेसर, मैक्सिमम किसान जो है सबका ही क्वेश्चन ये रहता है कि जी जी, थ्रेसर के बारे में सब कुछ जानने के बाद इसकी कीमत कितना रहता है, इसका कीमत के बारे में हमें बताइए कि आज की डेट में हमें बताइए। वैसे तो मुझे पता है कि थ्रेसर का या फिर कुछ भी कृषि यंत्र का प्राइस जो है बढ़ता रहता है घटता रहता है, लेकिन आज की डेट में इसकी कीमत के बारे में हमें बताइए लगभग। हमने ये थ्रेसर किसान भाइयों के लिए मार्केट में लॉन्च किया है जिसकी कीमत किसान भाई को पड़ेगी 3,20,000 रुपये। अच्छा जी, इसकी कीमत हमने रखी है 3,20,000 रुपये जी। बाकी समय के हिसाब से जो इस लोहे का रेट है जी, कि लोहे का रेट आज आसमान को छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वीडियो आज बन रही है जी, और किसान भाई अगर एक साल बाद वीडियो देखता है जी, तो जो लोहे का रेट है तो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल जी, तो उसी हिसाब से उसका जो रेट है उसको लगेगा। आज का जो प्राइस है वो 3,20,000 है, प्राइस 3,20,000 है, आगे वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये टाइम के ऊपर निर्भर रहता है। टाइम के ऊपर वैसे तो प्राइस ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे हमारे किसान भाई जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको जो है कुछ छूट मिल जाए हमारे चैनल के थ्रू से। देखिए, आप एक तो दूर से आए हो उड़ीसा से स्पेशल वीडियो बनाने जी, और बहुत से किसान आपके जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जी, और उनको डिस्काउंट देना तो बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बनता तो है। तो अगर कोई भी किसान भाई इस वीडियो का जो ये चल रही है वीडियो जी, उसका स्क्रीनशॉट जी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजता है जी, और उसको हम इंस्टेंट यानी कि तुरंत उसको 10,000 रुपये का डिस्काउंट उसको दे दिया जाएगा। तो प्राइस के बारे में तो हमने जान लिया जी जी, अब बताइए कि क्या आप इसमें गारंटी वारंटी भी देते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम पूरा पूरा जो इसका A to Z पार्ट है वो अंदर बनाते हैं जी, अपने पार्ट की और पूरे थ्रेसर की हम गारंटी लेते हैं पूरी जी जी। हाँ जी, कोई भी दिक्कत आएगी किसान भाई को जी, तो फील्ड तक उसके खेत तक जाकर उसको सर्विस दी जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा सुखदीप जी, क्या आप अपने थ्रेसर को ऑफलाइन बेचते हैं या फिर ऑनलाइन भी बेचते हैं? देखिए भैया, ये थ्रेसर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेचते हैं। ऑनलाइन भी बेचते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन अगर कोई किसान खरीदेगा जैसे कि हमारे वीडियोस देखकर, हाँ जी हाँ जी, कोई खरीदेगा तो क्या प्रोसीजर है उसका? अगर कोई भी किसान भाई ऑनलाइन खरीदना चाहता है जी, तो उसको एक तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जी, 50,000 पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। जब ये हमारा लोड हो जाएगा तो हम उसको वीडियो कॉल पर दिखाएंगे कि आपका जो थ्रेशर है जी, वो लोड हो गया है, बाकी पेमेंट आपने तब करनी है। अच्छा, और जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो क्षेत्र के हिसाब से अलग से लगेंगे। अच्छा जी, हाँ जी हाँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से, वो अलग से लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इनका जो है नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है और स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। आप इनको जो है इस नंबर पे कॉल करके इनको पूछ सकते हैं, मशीन के बारे में डिटेल भी जान सकते हैं, इनके और भी मशीन है उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, आपने देखा अवतार सिंह एंड सन कंपनी का मल्टी क्रॉप थ्रेसर जो कि साइड टोकरी के साथ आता है, और हमने सुखदीप जी के साथ पूरा बात किया थ्रेसर के बारे में, पूरा जांच पड़ताल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मशीनरी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये थ्रेसर अच्छी लगी हो तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके एरिया में अगर इसका डीलरशिप भी है तो वहाँ जाकर ले सकते हैं, या फिर आप अगर संतुष्टि चाहते हैं तो आप खुद भी यहाँ आकर पंजाब लुधियाना अहमदगढ़ आकर अवतार सिंह एंड सन कंपनी के पास इनके साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और पूरा जांच पड़ताल के बाद भी यहाँ बुक कर सकते हैं, है ना जी? जी जी, जरूर जी।
तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान।